बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जींद में रानी तालाब पर एनएलओ और बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। इस मौके पर लोगों ने बाबा साहब को माला और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिस महान व्यक्ति ने गरीब, किसान, कमेरा, दलित और शोषित वर्ग को विशेष वोट का अधिकार देकर उनको वोट देने का अधिकार दिया, उसी कड़ी में बाबा साहेब पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में पूजनीय बन चुके हैं। बाबा साहेब का भारत देश ऋणी है क्योंकि वो संविधान के निर्माता थे। उन्होंने समाज के गरीब से गरीब और अंतिम से अंतिम वर्ग को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की, जिसमें गरीब से गरीब पिछड़े वर्ग को उसका अधिकार दिलाने की बात की। और गरीबों को उन्होंने एक नारा दिया, संगठित रहो और शिक्षक बनो, दुनिया तक सृष्टि तब तक रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है आज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। और जिस महान व्यक्तित्व ने गरीब, किसान, कमेरा, दलित और शोषित वर्ग को विशेषतः वोट के बराबर का अधिकार दे करके उनको जीने का अधिकार दिया, हम पूरा राष्ट्र आज बाबा साहब भीमराव और राव अंबेडकर जी का जहां आभारी है, जहां उनको याद करता है, और उसी कड़ी में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज ही हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में आज वो पूजनीय बन चुके हैं। भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत वर्ष ऋणी है क्योंकि वो संविधान के निर्माता थे और संविधान बनाते वक्त उन्होंने समाज के गरीब से गरीब और अंतिम से अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान की रचना की, जिसमें गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग को उसका अधिकार दिलाने की बात कही गई। और गरीबों को उन्होंने एक नारा दिया कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार का जो भारत को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की, क्योंकि हमारे देश का एक एक नागरिक यदि आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा और उसमें कुछ संघर्ष करने का मादा होगा तो वो पूरे भारतवर्ष की उपलब्धि और समृद्धि का काम होगा।